भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने चंद्रयान 3 को चांद पर रिसर्च के लिए भेज दिया है। बाहुबली LV-M3 M4 रॉकेट के जरिए शुक्रवार दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से धुएं का घना गुब्बार छोड़ते हुए चंद्रयान 3 चांद को छूने निकल चुका है। अब इसरो ने एक वीडियो जारी किया है। ये वीडियो चंद्रयान 3 में लगे ऑन बोर्ड कैमरा से रिकॉर्ड हुई है। इसमें लॉन्चिंग से लेकर चंद्रयान 3 के अंतरिक्ष में पहुंचने तक का सफर दिखाया गया है। वीडियो की शुरुआत में सतीश धवन स्पेस सेंटर के दूसरे लॉन्च पैड पर खड़ा रॉकेट दिखता है। काउंटडाउन खत्म होते ही स्ट्रैप ऑन थ्रस्टर्स यानी साइड में लगे दो बड़े इंजन और रॉकेट का इंजन ऑन हो जाता है। फिर पल भर में ही तेज गति से रॉकेट आसमान की ऊंचाइयों में होता है। रॉकेट के निचले हिस्से से आग निकलती दिखती है और जमीन छूटता जाता है। वो बादलों से आगे निकल जाता है। जब चंद्रयान 3 करीब 62.17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है तब दोनों स्ट्रैप ऑन अलग हो जाते हैं। ये स्ट्रैप ऑन इंजन रॉकेट से अलग होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। इसके बाद वीडियो में पेलोड फेयरिंग सेपरेशन का फेज दिखता है। दरअसल 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर यानी अंतरिक्ष में जाने के बाद चंद्रयान 3 के ऊपर लगा अंडाकार कवर हट जाता है। यहाँ से धरती की भी एक झलक दिखती है और काले अंतरिक्ष में चंद्रयान 3 आगे के सफर पर निकल जाता है। इसके बाद 174.69 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्रायोजेनिक इंजन बंद हो जाता है। वो चंद्रयान 3 से अलग होने लगता है। ये वीडियो क्रायोजेनिक इंजन पर लगे ऑन बोर्ड कैमरा ने ली है। 179.19 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान 3 पूरी तरह से अलग होकर अपनी करीब 400,000 किलोमीटर की लंबी यात्रा पर अकेले निकल जाता है। बताया जा रहा है कि 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर लैंड कर सकता है। चंद्रयान 3 के भेजने के मकसद के बारे में बात करते हुए केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 से आने वाले नतीजे भारत को कई तरह से फायदा पहुंचाएगी। इस मिशन ने भारत को स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के टॉप देशों में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 चांद पर मानव जीवन की भी तलाश करेगा।